और कंफ्यूज है कि आपको इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए या फिर पेट्रोल लेनी चाहिए। मार्केट में काफी इलेक्ट्रिक कार जो है अभी दिनों दिन लॉन्च हो रही है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार जो मार्केट के अंदर चल रही है वो टाटा नेक्सॉन और टाटा टियागो है। आज हम आपको वही चीज क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रिक लेने में ज्यादा बेनिफिट है या फिर पेट्रोल लेने में ज्यादा बेनिफिट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और वीडियो को पूरा समझने के लिए एंड तक जरूर बने रहिए पूरा कंपैरिजन समझने के लिए। तो यही सब कंपेयर करने के लिए कि कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर रहेगी अपने लिए, तो इसके लिए हमने दो गाड़ियां यहाँ पे ली है। हमने टाटा का टियागो वेरिएंट यहाँ पे लिया है, और टियागो के अंदर पेट्रोल के अंदर जो वेरिएंट लिया है वो टियागो XT लिया है, और ईवी के अंदर लिया है वो भी हमने XT ही लिया है, लेकिन उसकी जो रेंज है वो 315 किलोमीटर वाला लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट हमने लिया है। दोनों गाड़ियों को हम समझेंगे कैलकुलेशन के द्वारा। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन है वो अभी आपके सामने होगी, और उस कैलकुलेशन से हम समझेंगे कि कौन सी गाड़ी अपने लिए ज़्यादा बेनिफिट है। पूरा का पूरा कैलकुलेशन अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो चलिए कैलकुलेशन के साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे टाटा टियागो लिया है, और टियागो का पेट्रोल के अंदर जो वेरिएंट लिया है हमने XT वेरिएंट लिया है, और ईवी में जो वेरिएंट हमने लिया है वो XT LR लिया है। पेट्रोल की अगर बात करते हैं तो ऑन रोड कीमत है गाड़ी की वो 7,38,000 है। अभी देखते हैं कि रनिंग के अकॉर्डिंग ये जो कैलकुलेशन है किस तरह से हमें करनी है। सपोज कीजिए कि अगर आपकी रनिंग है वो 50 किलोमीटर पर डे रहती है, अगर 50 किलोमीटर पर डे आपकी रनिंग है तो एक महीने में आपकी जो गाड़ी की रनिंग रहेगी वो 1500 किलोमीटर रहेगी। इसी तरह से देखते हैं तो 1500 किलोमीटर अगर एक महीने की रनिंग है तो एक साल में 18,000 किलोमीटर आप कार को चला लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं 7 साल के लिए। अगर एक एवरेज पर्सन है वो 7 साल तक गाड़ी रखता है, और 7 साल में कितनी किलोमीटर वो चलती है उसी पे हम कैलकुलेशन करेंगे। एक साल में चलती है 18,000, तो 7 साल के अंदर ये गाड़ी आपकी टोटल 1,26,000 किलोमीटर चल जाएगी। अब ये तो होगी 7 साल के अंदर जो गाड़ी चलती है अपनी 1,26,000 किलोमीटर। अभी देखते हैं कि पेट्रोल के अंदर लेते हैं तो इसका 1,26,000 किलोमीटर चलाने में कितना फ्यूल जो है वो बर्न होता है। पेट्रोल की प्राइस 111 रुपये मान के चलते हैं, 111 रुपये है, और माइलेज इसका एक एवरेज लेते हैं 17 किलोमीटर का। अगर 17 किलोमीटर का माइलेज लेते हैं तो 6.5 रुपये का जो कॉस्ट है वो पर किलोमीटर की पेट्रोल गाड़ी के अंदर आती है। 6.5 रुपये के हिसाब से अगर 1,26,000 किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी तो टोटल ये जो गाड़ी है 7 साल में 8,19,000 का पेट्रोल बर्न कर देगी। तो अब ये कैलकुलेशन समझते हैं। साथ में अगर देख लेते हैं कि इसका मेंटेनेंस का भी देख लेते हैं, तो 3,000 रुपये की अगर पर सर्विस का मेंटेनेंस देखते हैं जो कि 15,000 किलोमीटर पर होती है, तो 1,26,000 किलोमीटर अगर आप चलाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट 8 बार सर्विस करवानी पड़ेगी हर 15,000 किलोमीटर के हिसाब से। अगर 8 बार आप सर्विस करवाते हैं तो पर सर्विस का अगर 3,000 कॉस्ट होती है तो 8 बार सर्विसिंग की कॉस्ट रहेगी 24,000। अभी देखते हैं कि टोटल कितना खर्चा जो है वो 7 साल में गाड़ी जो है टोटल फ्यूल सर्विसिंग और गाड़ी की कॉस्ट मिला के टोटल 7 साल में कितना पड़ रहा है। तो 7,38,000 की तो हमने ऑन रोड ले ली, उसके बाद में 8,19,000 का हमने इसमें पेट्रोल जला दिया, फिर 24,000 रुपये की हमने इसके अंदर सर्विसिंग करवा ली मेंटेनेंस। अब टोटल 7 साल के बाद में जब एंड में देखते हैं तो 15,81,000 रुपये हम इस गाड़ी पे खर्च कर चुके हैं, और टोटल गाड़ी जो चली है 1,26,000 चली है, टाइम जो रहा है वो 7 साल का रहा है। तो ये तो होगी पेट्रोल की कैलकुलेशन। 15,81,000 रुपये 7 साल के अंदर ये कार अपने को पड़ती है। पेट्रोल के बाद में हम देखते हैं कि इसी कैलकुलेशन से ईवी कितने रुपए की पड़ती है 7 साल की अगर कैलकुलेशन करते हैं। तो ईवी का भी हमने टाटा टियागो का ही वेरिएंट लिया है, लॉन्ग रेंज वाला 315 किलोमीटर जो रेंज रहती है XT वेरिएंट लिया है। यहाँ पे हम 315 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है रेंज, लेकिन हम यहाँ पे 250 किलोमीटर ही रेंज लेके चलते हैं ऑल ओवर ऑन ग्राउंड पे। तो 24 किलोवाट की बैटरी जो है वो ईवी LR के अंदर आती है, और 24 किलोवाट के हिसाब से अगर 10% से लेके 100% इसको चार्ज करते हैं तो टोटल इसका जो कॉस्ट आता है वो 10% से लेके 100% चार्ज करने के लिए 250 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी खपत होती है। तो 250 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी अगर खपत होती है और इसकी रनिंग भी रहती है 250 किलोमीटर, तो 1 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन आती है। मतलब अगर 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो उसमें बैटरी जो खर्च होगी वो 1 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से खर्च होगी। अब 1,26,000 किलोमीटर गाड़ी अगर चलती है आपकी 7 साल के अंदर, तो पर किलो 1 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से 1,26,000 की हम इलेक्ट्रिसिटी खपत कर चुके होते हैं। लेकिन इसका सर्विसिंग कॉस्ट भी देखते हैं, ऑलमोस्ट जहाँ पे 3,000 रुपये है वो पेट्रोल गाड़ी की
मेंटेनेंस खर्चा आता है, लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल अगर आप लेते हैं तो उससे पेट्रोल से आधा ही मेंटेनेंस इसके अंदर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर इंजन तो होता ही नहीं है। अभी देखते हैं कि इसका अगर आधा 50% अगर लेते हैं तो 1500 रुपये पर सर्विस के हिसाब से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट लेके चलते हैं। 1500 रुपये के हिसाब से अगर एक सर्विस का कॉस्ट आती है तो टोटल 126,000 किलोमीटर चलाने के लिए 8 बार आपको सर्विसिंग करवानी पड़ेगी, और अगर 8 बार आप सर्विसिंग करवाते हैं तो 1500 रुपये पर सर्विस के हिसाब से 12,000 रुपये का सर्विस कॉस्ट है वो 7 साल के अंदर आपको पे करना होता है। अभी देखते हैं कि टोटल कितना खर्चा जो है वो 7 साल के अंदर आप कर चुके हैं। 1070,000 रुपये ऑन रोड आपने गाड़ी की कीमत ली है, जब आपने परचेज की थी 1070,000 रुपये आपने पे किए हैं। उसके बाद में 126,000 किलोमीटर 1 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से आपने इसको रन किया है, तो टोटल खर्चा हो गया 126,000 रुपये। और अगर सर्विसिंग की बात करते हैं तो सर्विसिंग होगी इसकी 12,000 रुपये की, 8 सर्विस, तो टोटल अगर मिलाते हैं गाड़ी की कीमत, इसमें चार्जिंग का भी खर्चा और मेंटेनेंस का खर्चा मिला के देखते हैं तो 12,08,000 रुपये आप 7 साल के अंदर खर्च कर देते हैं इलेक्ट्रिक कार के ऊपर। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं, अगर आपने पेट्रोल कार के अंदर आपने 7 साल के अंदर पूरा टोटल खर्च किया है 1581,000 रुपये, लेकिन वही ईवी के अंदर आपने खर्च किया है 12,08,000 रुपये, मतलब आप यहाँ जो गैप है वो 373,000 का गैप आ जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो 373,000 रुपये कम कॉस्टली पड़ती है पेट्रोल कार की बजाय। तो यही कैलकुलेशन अगर देखते हैं, अब बात आती है बैटरी की, तो 8 साल और 160,000 किलोमीटर की बैटरी इसकी वारंटी के अंदर आती है। अगर 8 साल के अंदर आप बैटरी अगर चेंज होती है तो उसके अंदर आपका कोई भी खर्चा नहीं रहता, लेकिन 8 साल के बाद अगर आप बैटरी चेंज करवाते हैं तो उस टाइम पे आपका खर्चा आता है, लेकिन कंपनी का मानना है कि जब तक आप इसको 2-2.5 लाख किलोमीटर चला चुके होंगे तब आपको इस बैटरी को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, उससे पहले बैटरी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन 7 साल के एवरेज पर्सन जो है 7 साल तक गाड़ी रखता है, और 7 साल के हिसाब से यही वाली जो डिफरेंस 373,000 का डिफरेंस इस कार के अंदर आ रहा है, तो इसी हिसाब से अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो पेट्रोल व्हीकल से सस्ता पड़ता है। अगर आपकी रनिंग कम से कम 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर है पर डे की, तो आपको यही बेटर सजेशन रहेगा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चूज करें बजाय पेट्रोल व्हीकल के। तो वीडियो में हमने पूरी कैलकुलेशन समझी है कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर रहेगी, पूरी एक प्राइस टू प्राइस हमने कंपेयर किया है, और कौन सी गाड़ी है वो आपको 7 साल तक अगर आप यूज़ करते हैं तो कौन सी गाड़ी ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ रही है, कौन सी कम कॉस्टली पड़ रही है, यही सारा आपकी कैलकुलेशन समझने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। You'll come save me. My knees are feeling.